चंडीगढ़ में कोरोना के मामले नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बीते कल चंडीगढ़ में 96 नए मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने दो बड़े फैसले लिए हैं। संभल जाइए, वरना दोबारा से चंडीगढ़ में लॉकडाउन की अवस्था बन सकती है। कोरोना से हालात अब नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बीते कल कोरोना के 96 नए केस सामने आए थे, जिसके चलते प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। प्रशासन ने पहला फैसला सुखना लेक को बंद करने का लिया है। रविवार को छुट्टी के दिन सुखना लेक पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए यूटी प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सुखना लेक पर बोटिंग, एम्यूजमेंट पार्क सहित सभी गतिविधियों को बंद कर दिया है। रविवार को लेक पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं लेक सोमवार से शनिवार तक सैर के लिए ही खुलेगी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से समय निर्धारित किया गया है, जिसमें सुखना लेक पर सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक सैर के लिए खोली जाएगी। इसको लेकर पुलिस की ओर से पूरी सख्ती कर दी गई है, जिसमें सुखना लेक के एरिए को बंद कर दिया गया है। रविवार को सुखना लेक पूरी तरह से बंद रहेगी और सोमवार से शनिवार तक सैर करने के लिए सुबह 5 से 9 और शाम को 6 से 8 तक खोली जाएगी। वहीं पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है और चारों तरफ सख्ती दिखाते हुए नाकाबंदी कर दी है। कैमरामैन अमनदीप के साथ कुलदीप, पंजाब के सी टीवी, चंडीगढ़।